हेलो स्टूडेंट्स, फ्रूट्स तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी विंटर सीजन में ऑरेंज फ्रूट मार्केट में आ रहा है ना। तो आज हम लोग ड्राइंग में भी ऑरेंज का ड्राइंग कलरिंग कैसे करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। ऑलरेडी आपके बुक में यहाँ पे ऑरेंज का ड्राइंग दिया है, आपको सिर्फ उसको कलरिंग करना है। आपके बुक में यहाँ पे वाटर कलर पोस्टर कलर्स बोला है, बट आई विल शो यू हियर ऑयल पेस्टल कलरिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सी, टॉपिक नेम इज ऑरेंज। पेज नंबर 22। कलर द गिवन ऑरेंज विथ प्रॉपर कलर्स एज शोन बिलो इन द पिक्चर। ओके, यहाँ पे आपको तीन शेड्स में कलर्स करने हैं। आपके बुक में तीन शेड्स नहीं दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑयल पेस्टल से कैसे पेंटिंग करना है वो दिखाने वाली हूँ। ओके, मेरे पास डॉम्स के ऑयल पेस्टल्स हैं। सी, फर्स्ट हमें यहाँ पे डार्क रेड कलर लेना है, एक रेड कलर, एंड फ्रॉम डाउन साइड हियर ओनली यू हैव टू पुट लाइक दिस बॉर्डर ओनली, रेड कलर बॉर्डर, हाफ बॉर्डर ओनली। देन आफ्टर ब्राउन कलर। इफ यू हैव पोस्टर कलर्स वाटर कलर्स देन यू कैन यूज दैट कलर्स ऑल्सो, एंड सेम मेथड सेम कलर्स यू हैव टू यूज फॉर पोस्टर कलर ऑल्सो। नाउ टेक ऑरेंज कलर। देखो मैंने हाफ कलरिंग किया है। नाउ टेक ऑरेंज कलर एंड अप्लाई लाइक दिस ऑन द ब्राउन कलर एंड मेक इट शेडिंग। राउंड डायरेक्शन में ही आपको उसका कलरिंग करना है। लाइक दिस राउंड एंड राउंड डायरेक्शन फ्रॉम अप्स ऑल्सो लाइक दिस ओनली। ऊपर के साइड में भी ऐसे ही आपको कवर करना है ऑरेंज से। और नीचे अभी बीच में आप देख सकते हैं वाइट कलर का बॉल दिख रहा है, राइट। नाउ टेक येलो कलर एंड मिक्स दैट इन ऑरेंज कलर। सी, यू कैन सी, देखो ऑरेंज एंड येलो दोनों कलर को मिक्स करना है। बीच में पूरा येलो कलर आएगा और थोड़ा सा वाइट पैच छोड़ना है, बिल्कुल वाइट पैच। नाउ टेक ऑरेंज कलर एंड मिक्स हियर प्रॉपरली। थोड़ा सा, पूरा मिक्स नहीं करना है आपको, सिर्फ थोड़ा सा मिक्स करके फिर आपके पास कोई भी रफ क्लॉथ या फिर स्पंज होगा उससे आपको ये रब करना है। अदरवाइज यू कैन डू इट लाइक दिस फिंगर्स ओनली। नाउ इसके ऊपर हम लोग अभी ऐसे टेक्सचर करने वाले हैं, ऑरेंज कलर से ऐसे टेक्सचर करना है। हल्के हाथ से जस्ट लाइट लाइटली ऐसे लाइंस करो। आप घर पे भी देखे होंगे ऑरेंज, इसके ऊपर थोड़ा सा एक टेक्सचर होता है, रफ टेक्सचर होता है ऊपर के साइड में, वैसे टेक्सचर दिखाना है। देखो येलो के ऊपर ऑरेंज का टेक्सचर और ऑरेंज के ऊपर थोड़ा रेड कलर का टेक्सचर है, ऐसे टेक्सचर कंप्लीट करना है आपको भी। ये ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा टेक्सचर दिखना चाहिए इसलिए अप्लाई करना है। ओके, नाउ वाइट कलर से और इसके ऊपर हाईलाइट दिखने के लिए इसे वाइट के लाइंस करने हैं। देखो आप लोग घर में ऑरेंज देखते होंगे, तो ऑरेंज के ऊपर ऐसे टेक्सचर होता है, उससे हाईलाइट वाइट कलर का हाईलाइट लाइट में आपको दिखेगा, ऐसे आपको ये दिखाना है। ऑरेंज के ऊपर ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट येलो के ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना है। ओके, ये हाईलाइट हो गया है अभी हमारा। यहाँ पे शेडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने शेडिंग दिखाया है आपको। ये आपका पूरा ब्राउन रेड ऑरेंज ऐसे अच्छे से मिक्स करना है
नीचे आपको यहाँ पे शैडो दिखाना है। अगर शैडो करने के लिए आपके पास कोई भी ग्रे कलर का क्रेयॉन्स होगा या फिर ब्राउन कलर्स के क्रेयॉन्स, उसे ही आपको शैडो करना है। एकदम जस्ट एक टचअप देना है नीचे के साइड में। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कोई भी चीज़ हम लोग नीचे रखते हैं तो उसका शैडो दिखता है, वैसे ही यहाँ पे ये फ्रूट का शैडो दिख रहा है। ओके, लीव्स के लिए इन सेंटर ग्रीन कलर एंड आउटसाइड डार्क ग्रीन कलर, ऐसे हम लोग कलर करेंगे दोनों लीफ को। आपके बुक में एक साइड में लाइट ग्रीन है और एक साइड में डार्क ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में लाइट ग्रीन और साइड में डार्क ग्रीन, ऐसे कलरिंग करना है। दोज हू आर यूजिंग पोस्टर कलर वाटर कलर दे ऑल्सो कैन डू लाइक दिस ओनली। इन मिडल ऑल्सो सेम कलर। ओके, योर ऑरेंज इज रेडी नाउ ऑल कलरिंग, लाइक दिस ओनली यू हैव टू कंप्लीट एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।